देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती आज देश भर में मनाई जा रही है। हिमाचल में भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद किया जा रहा है। शिमला के रिज मैदान पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर उन्हें याद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया और अंत में जीवन का भी बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि वे महिला सशक्तिकरण का उदाहरण हैं। मोदी सरकार भी महिलाओं को आगे लाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को अस्तित्व में लाने में जहां डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने संघर्ष किया, वहीं पूर्ण राज्य का दर्जा देने में इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है और उसे भुलाया नहीं जा सकता है। उनके कार्य को हमेशा याद रखा जाएगा और आज इस मौके पर उनके योगदान और उनके बलिदान को स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। साथ ही शहरी विकास मंत्री आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जन्म जयंती है और स्वाभाविक रूप से उनके जीवन से प्रेरणा की अगर हम बात कहें, एक महिला होने के नाते देश का नेतृत्व उन्होंने वर्षों तक किया और मजबूती के साथ किया। महिला सशक्तिकरण की बात अगर आज के इस दौर में हम कर रहे हैं तो उन्होंने एक उस दिशा में एक प्रयत्न जो है महिलाओं को आगे आ करके काम करना चाहिए उस दृष्टि से भी रहा। और उससे बड़ी बात तो ये है कि देश के लिए बलिदान, ये उनके जीवन में ऐसी जो घटना घटित हुई कि उनकी हत्या हो गई और उस वक्त देश बहुत अलग तरह के एक दौर में से गुजर रहा था और उस ऐसी परिस्थिति में उनकी शहादत को, उनके बलिदान को हमेशा हमारे लिए हमको स्मरण करना चाहिए और उस योगदान के लिए जहाँ तक देश के लिए उनने दिया है तो उस दृष्टि से इंदिरा गांधी जी को हम आज भी याद करते हैं। तो मुझे यही कहना कि हिमाचल जैसे छोटे से इस प्रदेश को अस्तित्व में लाने के लिए जहाँ डॉक्टर वाई एस परमार जी ने इस संघर्ष को आगे बढ़ाया उस दौर में और उनके साथ बहुत सारे और लोग भी जुड़े हुए थे जुड़ करके और उसको हिमाचल को एक पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए उनकी भूमिका रही है, उस दृष्टि से उनके योगदान को झुठलाया नहीं जा सकता है। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि एक महिला होने के नाते महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से महिलाओं को आगे आना चाहिए इस दृष्टि से भी जो प्रयत्न प्रयास उन्होंने किए हैं और आज भी हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील है, हर क्षेत्र में महिला आगे बढ़े ये एक पहल जो है उनने भी की और उसको हम लगातार आगे बढ़ा करके उनकी उस प्रेरणा के माध्यम से हम काम कर रहे हैं।